में चर्चा हम शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कैप्टन संदीप संधू जी, राजनीतिक सचिव हैं सीएम के, वो जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है संधू साहब आपका। और अमनदीप सिंह धारनी जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता अकाली दल के, बहुत स्वागत है धारनी साहब आपका। सबसे पहले संधू साहब मैं आपसे ही जानना चाहूंगा, एक ऑर्डिनेंस केंद्र की तरफ से आता है, प्रदेश में तमाम लोग जो किसान है वो इसका विरोध करते हैं और सरकार तक भी ये बात पहुंचती है और सरकार अपनी तैयारी कर रही है इस पर हम चर्चा की शुरुआत करें। संधू साहब मैं आपकी टिप्पणी लूं उसके पहले मैं चाहूंगा कि आप फिर से अपने दर्शकों को जरा हम सुना देते हैं कि सुखबीर बादल ने सर्वदलीय बैठक के बाद अपना क्या स्टैंड रखा था इस बैठक को लेकर, एमएसपी को लेकर। एमएसपी ते खरीद पंजाब जारी रहूगी। मैं उन्होंने कहना झोने की फसल आ जाए 2 महीने बाद, जे झोना ना खरीदा गया MSP ते ना चक्या गया फिर सानू क्यों कला झोना छड़ दे, अगले कणक ना चकी गई उदो अगला झोना ना चक्या गया फिर क्यों। जे तुसी एवें झूठ ते झूठ ड्रामे करी जाने उदा कोई इलाज नहीं। सियासत किसानां दे उत्ते सियासत खेडण दी लोड़ नहीं। मैं पंजाब दे किसान, पहली गल मैं इन्ना कहना चाहना है कि श्रोमणी अकाली दल किसानां दी पार्टी है। कोई भी सरकार होए, भावें अपनी होए भावें सेंटर किसी दी होए, कोई किसानां दे खिलाफ कोई फैसला होए श्रोमणी अकाली दल ने लड़ाई लड़नी है। वहां पर तो एक सहमति बन गई थी लेकिन फिर बाहर आने के बाद जो बदलाव आ गया उसी पर विवाद बढ़ गया है। किसान ऑर्डिनेंस से भी नाराज थे और फिलहाल अब बादल साहब की इस प्रतिक्रिया के बाद भी उनकी नाराजगी दिखाई दे रही है। संधू साहब मैं जानना चाहूंगा कि एक मामला ऑर्डिनेंस के तौर पर आता है, प्रदेश में किसान उसकी मुखालफत करते हैं और फिर बात सरकार तक जब जाए तो सरकार ने एक कोशिश की कि सभी दलों की कम से कम प्रदेश में इस पर सहमति बन जाए। वहां पर सहमति बनी भी बहुत संभव जैसा आप लोग बता रहे, लेकिन उसके बाद फिर बदलाव आ गया। मैं उस पर बाद में चर्चा करूंगा। मैं सवाल सीधा यही कर रहा हूं कि असल में क्या आपत्ति है और प्रदेश की सरकार सभी दलों से क्या एक राय चाहती है। चले संधू साहब मैं आपको रोक रहा हूं, तकनीकी खामी आ रही है, आपकी आवाज स्पष्ट तौर पर नहीं आ पा रही है। धारनी साहब, डबल स्टैंड का आरोप लग रहा है कि यहां पर अकाली दल ने सर्वदलीय बैठक में कुछ और कहा और बाहर निकलकर बादल साहब ने कुछ और कह दिया। आप क्या रखेंगे यहां पर अपनी पार्टी की तरफ से राय, क्या खुद आपकी राय है, आपकी पार्टी की राय है, केंद्र का ऑर्डिनेंस उसको किसान अगर विरोध कर रहे हैं तो आप किसानों के साथ हैं, सरकार इस पक्ष को एक मजबूत बनाना चाहती है कि प्रदेश में सारे राजनीतिक दल एक हो जाएं, क्या आप उनके साथ हैं या अलग धारा में आप चल रहे हैं। नहीं देखिए अतुल, ऐसे है कि हमें जब हम बात करते हैं ना जी, तो हमें दोनों तरफ से सोचना चाहिए जी। हम जब ऑर्डिनेंस की बात करते हैं तो दो ऑर्डिनेंस अलग अलग हुए हैं। एक स्टेट ने ऑर्डिनेंस किया 2017 में जी, और दूसरा जो ऑर्डिनेंस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी किया है जी। हमें पहले तो ये बात देखिए, पिछले दिनों में जाखड़ साहब ने जैसे बात की है कि वो फतेहगढ़ साहब से एक मुहिम जारी शुरू कर रहे हैं कि जो अकाली दल है और बीजेपी है, अकाली दल के जो यहाँ मेंबर पार्लियामेंट है उनको इस्तीफा देना चाहिए। मैं समझता हूँ कि पहले तो ये पंजाब के लोगों को ये समझाना चाहिए कि ये जो ऑर्डिनेंस है क्या है, ये ऑर्डिनेंस पंजाब ने क्या किए और सेंटर ने क्या किए। आज जो अपने कांग्रेस के प्रधान है वो जब बात करते हैं तो जाखड़ साहब वो कहते हैं कि सरकार ने जो ऑर्डिनेंस पास किए हैं
वो किसानों के हित में नहीं है जी। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जो उन्होंने ऑर्डिनेंस 2017 में पास किए हैं वो क्या लोगों के और किसानों के हक में है। ठीक है धारनी साहब, इसका जवाब तो देखिए कैप्टन साहब संदीप संधू साहब हमारे साथ हैं, वो देंगे। आप सुनील जाखड़ का जिक्र कर रहे हैं, मेरा सवाल ये है, आप कहते हैं कि एक स्टेट का ऑर्डिनेंस है एक सेंट्रल का ऑर्डिनेंस है, आपकी नजर में स्टेट वाला ठीक नहीं है, उनकी नजर में सेंट्रल वाला ठीक नहीं है, लेकिन सर्वदलीय बैठक में तो आपने कुछ और कहा, यह बात आ रही है सामने और कहा जा रहा है कि बादल साहब ने पहले तो सहमति जताई थी कि भाई रेफरेंडम एक तरीके का होगा और बाहर निकल कहा कि मैंने ऐसा कुछ कहा नहीं था। सर्वदलीय मीटिंग हुई उसमें भी जो अपने सुखबीर जी ने बोला है वो ये जो कांग्रेस सरकार है जो सीएम ऑफिस की तरफ से उसकी कटिंग करके जो उसके पहलू है वो जो डाल रहे हैं, मुझे लगता है वो लोगों को गुमराह करने वाली बात है। वो एक्चुअली जो सुखबीर जी ने पहले उससे प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वो दोनों को देखना चाहिए, पहली कॉन्फ्रेंस है और दूसरी कॉन्फ्रेंस को जो बीच में हुई है उसमें तो उनका सारा कुछ था, वो सारा कुछ वो अपने तरीके से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं लोगों को। धानी साहब एक छोटा सा सवाल फिर मैं संधू साहब के पास जाऊं, अब मेरा सीधा सवाल है, आप कहते हैं कि 17 वाले ऑर्डिनेंस पर क्यों नहीं जवाब कांग्रेस दे रही और वो कहते हैं कि आप इस पर डबल स्टैंड दिखा रहे हैं, शिरोमणि अकाली दल इस वक्त जो सेंट्रल का ऑर्डिनेंस है उसको लेकर स्पेसिफिक मैं सवाल पूछ रहा हूं, वहां पर उसको एज इट इज चाहती है कि लागू रहे या उसमें वो भी बदलाव चाहती है जो कि कांग्रेस चाह रही आम आदमी पार्टी चाह रही। देखिए अतुल जी बातें दो हैं, दोनों बातें ये हैं कि ऑर्डिनेंस है जो जी। उनको उनकी जो उनका ऑर्डिनेंस पास करने वाली बात है उससे क्या इफेक्ट होने वाला है, किसानों पे क्या इफेक्ट होने वाला है, लोगों पे क्या इफेक्ट होने वाला है, देखने वाली बात ये है। देखिए ना 2017 में जो ऑर्डिनेंस पास की है वो तो इन्होंने चुपचाप वो ऑर्डिनेंस पास किए और बैठ गए और उसको लागू भी कर दिया, पंजाब स्टेट में लागू कर दिया और अब जब सेंटर के ऑर्डिनेंस आए हैं तो पहले ऑर्डिनेंस है उसको जाखड़ साहब क्यों नहीं बता रहे लोगों को कि हमने जो ऑर्डिनेंस पास किए हैं वो ऑर्डिनेंस क्या है, बताने तो चाहिए ना लोगों को। ठीक है संधू साहब बताएंगे आप, देखिए यहाँ पर उल्टा सवाल आ गया अकाली दल की तरफ से कि आप सेंट्रल के ऑर्डिनेंस पर तो बहुत कुछ चाहते हैं कि हो लेकिन जो स्टेट का ऑर्डिनेंस है उस पर जवाब आप नहीं दे रहे। मेरा सवाल यह है क्या वाकई अंदर बादल साहब ने कुछ और कहा और बाहर निकलकर कुछ और कह रहे हैं जिसको धारनी साहब आगे बढ़ा रहे और प्रदेश के किसान मांग कर रहे हैं और सरकार कह रही है कि हाँ हम कम से कम यहाँ प्रदेश में तो सभी दलों को मिलाकर एक रेफरेंडम ऐसा करें ताकि एक सुर में आवाज सेंट्रल तक जाए और उनको हम बताएं कि भाई ये समस्या है, किसान भी कह रहे हैं, उसमें अड़चन कहां आ रही है। संधू साहब ऑर्डिनेंस को लेके ये 2014 जब पांता कुमार कमेटी बनी थी जी ये चर्चा शुरू हुई है और वो जो कमेटी थी को उसने जो अपनी रिपोर्ट जिसमें उन्होंने यही बात यहाँ पे ये जो पीडीएफ सिस्टम है जो आज के दिन में हम जी जरूरी काम को ये देते हैं ये खत्म कर देना चाहिए और ये जो प्रोफेशनल सुविधा इसको भी आपको वाइंड अप कर दे जी। ये शुरुआत वहाँ से अब ये ऑर्डिनेंस की बात, ये ऑर्डिनेंस क्या कह रहे हैं, ये ऑर्डिनेंस बेसिकली जो एग्रीकल्चर है जी सब्जेक्ट अगर मैं स्टेट में भी ऑर्डिनेंस बना रहा हूँ एग्रीकल्चर भी बनाया 2019 का हमने बनाया है उसको लेके ये बातें कर रहे हैं, मैं उसी पे आ रहा हूँ बहुत में बातें बात कर 2019 का जो ये पंजाब सरकार ने ऑर्डिनेंस लाया है वो स्टेट का अपना सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर ला सकते एक बात। दूसरी बात अगर आप वो सारा ऑर्डिनेंस पढ़े उसमें कहीं भी हमने ये अलाउ नहीं किया, हमने प्राइवेट यार्ड अलाउ किए लेकिन ये कहा कि परमिशन लेनी पड़ेगी और मार्केटिंग की जो फीस है देनी पड़ेगी। अगर आपने अगर जो एमएसपी वाली फीस है वो आपको मंडी में ही देखनी पड़ेगी,
उनकी जो ऑर्डिनेंस है, एक तो वो फेडरल स्ट्रक्चर को सीधा हिट करती है, स्टेट की जो पावर है वो ले रही है। दूसरा, उनके ऑर्डिनेंस के मुताबिक हमारा जो मार्केटिंग, जो हमारी फंडिंग बोर्ड है वो पूरे देश माना जाता है, उसका मॉडल करने सभी राज्य आते हैं। कैसे ये कोविड में हमने एक महीने में 130 लाख मीट्रिक टन कनेक्ट गेहूँ खरीदा जी, वो जो MSP रेगुलेट आप मंडी में कर सकती है, जो 4000 करोड़ का फायदा मंडी बोर्ड को होता है, जिसके कारण गाँव की जो सड़कें मुक्त होती वो बनती है, जो 2500 से आसपास करोड़ आदमियों का जो ऑलमोस्ट 26,000 फैमिलीज हैं उनके पास ये पैसा जाता है, और ये जो हमारी दलित बरादरी के लोग हैं जो सफाई करते हैं गेहूँ की और उसके बाद गोलू में डाल के गेहूँ को ट्रकों में डालते हैं, उनकी जो सारी मार्केट है वो 1000-1500 करोड़ उनके पास ही जाता है जी। ये जो ऑर्डिनेंस है ये सर्विस सेक्टर को तो हिट करता ही करता है, लेकिन ये इस चीज को भी सीधा हिट करता है। इनका तो कहना है कि आपको आप फसल कहीं भी बेच सकते, आपका कोई भी आपकी फसल आपके घर में आके ले सकता है। ये प्रोसेस MSP की बात करती है जी, ये क्या बेसिकली MSP को डिसमेंटल ही करना है। एक साइड तो ऑर्डिनेंस फेडरल स्ट्रक्चर की तो सीधा और सीधा चैलेंज करते हैं, और फेडरल स्ट्रक्चर की ये काली दल 1970 से लेकर बातें करता है। दूसरा जो चीज ये हिट करती है MSP को PSS में लेके जाना चाहती है, वो क्या है कि अपनी पब्लिक कोर्ट स्कीम जो है प्राइस कोर्ट स्कीम जी, क्या है जैसे ये मक्की आ गई है, मक्की का इन्होंने MSP नहीं है, मक्की का PSS है, PSS अनाउंस कर दिया कि 1500 करोड़ है, 15,000 करोड़ रख दिया है, क्योंकि अगर कहीं कमी होती है तो आप ये यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये जो गेहूँ का अगर आपने प्राइस भी रेगुलेट कर दिया या चीज को आपने PSS में कन्वर्ट कर दिया, 26,000 करोड़ का तो सीधा सीधा MSP के साथ दिखता है, वहाँ 15,000 करोड़ कहाँ काम देगा। ये दो चीजें कर रहा है स्टॉक, एक ऑर्डिनेंस उनका फेडरल स्ट्रक्चर को हिट करने की बात कर रहा है, अब दूसरा जो है MSP को धीरे धीरे डिसमेंटल करने की बात कर रहा है। इसी ये है धानी साहब जवाब देंगे, और यहाँ पर सवाल ये है कि ये प्रदेश की सरकार या फिर कांग्रेस पार्टी की मांग नहीं है कि भाई ये विरोध हो रहा है तो उनके स्तर पर हो रहा है, ये विरोध तो किसानों के स्तर पर हो रहा है ना, तो प्रदेश के किसानों के लिए आपका स्टैंड क्या है? देखिए मैं आपको एक बात बता दूं कि श्रोमणी अकाली दल का बिल्कुल क्लियर स्टैंड है कि किसानों का जो हक है, किसानों का हित है, उसको कभी श्रोमणी अकाली दल जो है वो दरकिनार नहीं करेगी। देखिए जो कांग्रेस आज क्रोकोडाइल के आंसू बहा रही है, मैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ। देखिए संधू साहब की मैं सारी बात सुन रहा था, दो तीन बातें ये कर रहे हैं, एक तो ये फेडरल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, संघी ढांचे की बात कर रहे हैं, इनको ये बात करने का हक ही नहीं है। आज इनको संघी ढांचे का कहां से याद आ गया, जब श्रोमणी अकाली दल 1973 में आनंदपुर रेजोल्यूशन की बात करता था तो कांग्रेस है जो सबसे बड़ी उसकी विरोधी थी, और कांग्रेस नहीं चाहती थी कि ये पंजाब को जो है ज्यादा अधिकार है जो अरे धारनी साहब देखिए मैं बस सर इतना जानना चाह रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि वो क्रोकोडाइल के आंसू बहा रहे हैं, अरे हमारा अन्नदाता खून के आंसू बहा रहा है भाई, उसके लिए कौन सोचेगा? आप कहेंगे वो जिम्मेदार, वो कहेंगे आप जिम्मेदार, और अन्नदाता कहेगा कि भाई मैं ही जिम्मेदार हूँ क्या मेरी बदहाली का? आप सब चाहते हैं, आप भी चाहते हैं, कांग्रेस भी चाहती है, आम आदमी पार्टी भी चाहती है, सब चाहते हैं कि अन्नदाता का भला हो, लेकिन अन्नदाता खून के आंसू बह रहा, यहाँ घड़ियाली आंसू यानी क्रोकोडाइल आंसू बह रहे हैं। नहीं नहीं अतुल जी, सबसे पहले श्रोमणी अकाली दल है जो जिसने पंजाब में किसानों के हित की बात की है, चाहे वो फ्री इलेक्ट्रिसिटी वाली बात हो, चाहे वो और कितनी ही चीजें हैं जो किसानों के लिए श्रोमणी अकाली दल ने की है। मैं इनकी बात पे आता हूँ। देखिए ये MSP के नाम पे ये गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, कभी ये मिस्टर गडकरी का नाम लेते हैं, ये जो बातें सभी सेंटर की तरफ से, मिस्टर तोमर की तरफ से, गडकरी की तरफ से, ये सारी बातें क्लियर हो चुकी है। और
मैं समझता हूं कि देखिए जो कांग्रेस सरकार आज बात कर रही है, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट कौन लाया था? जब किसानों को जरूरत थी पैसे की, तब ये इन्होंने एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट लगा के किसानों को एक पंजाब के खित्ते में बंद करके रख दिया कि वो हरियाणा में अपनी कणक नहीं ले जा सकते, गेहूं नहीं ले जा सकते, वो हरियाणा में नहीं ले जा सकते, वो चंडीगढ़ में नहीं ले जा सकते, उन्होंने बांध के रख दिया। और तब भी श्रोमणी अकाली दल ये लड़ाई लड़ रहा था। और आज जो बात है, अरे अरे अडानी जो है, मिस्टर अडानी की जो मंडी मोगा में चल रही है, वो क्या कर रहे हैं? वो जहां से धान और गेहूं जो खरीद के वो कहां ले जाना चाहते हैं? और दूसरी बात, इन्होंने एक बात की है मंडी फीस की। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि सारे पंजाब में अगर एक आ, 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 जो मंडी में आड़ती है, अगर वो एक लाइसेंस फीस लेता है उसकी फीस पे करता है, अगर वो दूसरी मंडी में और लाइसेंस लेता है दूसरी फीस, इन्होंने सिंगल कर दी सारे की सारी पंजाब में। कहीं भी एक लाइसेंस फीस से आप कहीं भी मंडी में जाके अपना काम कर सकते हो। ठीक है धार्मिक साहब, मैं इसका एक जवाब ले लेता हूँ। संधू साहब देखिए, मेरा मकसद चर्चा का यही है। शिरोमणि अकाली दल कह रही है हमारा स्टैंड क्लियर है भाई, हम किसानों के साथ है। कांग्रेस कह रही है मेरा स्टैंड क्लियर है भाई, सरकार किसानों के साथ है। बीच में एंट्री मार गई आम आदमी पार्टी, वो कह रही है कि हम दोनों के साथ हैं, यानी किसानों के साथ भी हैं और इस पक्ष में सरकार के साथ भी हैं। अब आप कहते हैं कि वो तो साथ आ गए, शिरोमणि अकाली दल नहीं आ रही, और वो कहते हैं कि कांग्रेस अपना इतिहास देखे, उसने ही सबसे ज्यादा नुकसान किसानों का किया। अब इस ऑर्डिनेंस का जो चक्रव्यूह है उसको कैसे तोड़ा जाएगा? किसान जिनसे आपकी बात हुई है, सीएम साहब ने मुलाकात की, उनसे बात की, उनकी समस्या सुनी, उसके लिए वो कहते हैं विशेष सत्र भी हम बुलाएंगे, हम चर्चा करेंगे सदन के अंदर, लेकिन समस्या का निदान कैसे होगा अगर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप ऐसे ही होते रहे तो? संधु साहब जी, असल जी बात ऐसी है जी, मैं मुद्दा आज क्या करते हैं, आज की बात करते हैं ना, ये इन्होंने कितनी बातें आज क्या आज के लिए सर्वदल मीटिंग में आप कह दिए कि कालीगर और पिताई क्योंकि एक दूसरे का गठजोड़ है इनका दिल्ली में, तो इन्होंने इकट्ठे होकर बात करने की, मैं बात समझता हूँ उनकी मजबूरी है क्योंकि इनके मंत्री हैं वहाँ पे, तो अगर आज ये ऐसी बात करेंगे तो मंत्री को वहाँ पे प्रॉब्लम या कोई तकलीफ आ सकती है। जो किसान यूनियन परसों 10 यूनियन की मीटिंग हुई, जो वो यूनियन है जो हमेशा ही सरकार के साथ उनका 25 का आंकड़ा रहता है जी, जब उनके साथ मीटिंग हुई पंजाब के मुख्यमंत्री जी की, और उसमें लखोवाल ग्रुप, राज्यवाल ग्रुप, उग्रहा ग्रुप, 10 से मैं सबके नाम नहीं ले सकता, यूनियन मुख्यमंत्री जी आप ये जो कदम उठा रहे हैं इस कदम में हम आपके साथ हैं, और ये जो आप कदम उठा रहे हैं ये आपका कदम वही कदम है जैसे आपने 2002 में पानियों जो पंजाब का पानी का मसला था आपने पानी जैसे बताया था, आज आपने किसानों के लिए आप वो लड़ाई लड़ रहे हैं। और किस लड़ाई में हम आपके साथ बाकी लड़ाई में क्या दूसरे से रखते हैं, लेकिन ये जो लड़ाई है इस लड़ाई में हम आपके साथ। अब 10 से 12 किसान यूनियन मेन स्ट्रीम पार्टी में से सिर्फ 2 पार्टी को छोड़ के भाजपा को और श्रोमणी अकाली दल अपना अभी तक स्टैंडिंग स्पष्ट कर सका, वो यही डिफेंड करते जा रहा है। आप डिफेंड मत करें, 2019 का आप पंजाब में क्या एक्ट लाया है, आप किसी सैलरी स्ट्रक्चर आज बात करें, क्या एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है कि नहीं, क्या आप ये ऑर्डिनेंस अलाउ कर, क्या इनसे किसानों को फर्क पड़ रहा है? अगर आप एक 2 पार्टियां हो जो नहीं पड़ रहा, और कभी तो कांग्रेस सरकार है, मुख्यमंत्री जी कांग्रेस के हैं, उनकी अपनी सोच है, वो इससे पहले उनका हमेशा ही डॉक्टर अमरिंदर सिंह जी ने कभी अपनी कुर्सी के बारे में नहीं सोचा है, बेशक 1983 की बात हो, बेशक 2002 में 85 की बात हो, बेशक 2002 पानियों की बात हो, ये स्टैंड उनका इस बात के माध्यम से उनका स्टैंड हमेशा बड़ा क्लियर। ये दोनों इश्यू पर सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं और इसके की राजनीति नहीं करना चाहते, श्रोमणी अकाली दल साथ में इसके आने से आपत्ति क्यों दिखा रहा है?
देखिए बहुत अहम बात आपने संधू साहब कह दी है। अमनदीप सिंह धारी साहब, मेरा सीधा सवाल है, देखिए जो बीत गई वो बात गई, वर्तमान क्या है और भविष्य होगा कैसा, किसानों का सवाल इस पर है। और संधू साहब ने कहा कि बहुत सारी अलग अलग पार्टी हैं, अलग विचारधारा है, आपसी लड़ाई चलती है, राजनीति है, ठीक है, वो भी करते हैं, आप भी करते हैं, लेकिन इस पर तो आपके नेता ने कहा कि भाई इस मसले पर हम साथ हैं, तो फिर आखिर बाहर क्या आपत्ति करने का की वजह हो गई, कुछ घंटों के बाद आखिर क्या लगा, क्यों बदलना पड़ा अपना बयान? और दूसरा, आप क्या वाकई स्टैंड ले रहे हैं कि हाँ हम केंद्र का जो ऑर्डिनेंस है उसके साथ हैं? अगर आप ये क्लियर कर देंगे तो अपने आप बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आप मत पूछिए कि उनका स्टैंड क्या था, हो सकता है कि उनका जो स्टैंड था या उनका जो ऑर्डिनेंस था वो किसानों के हित का ना हो, वो भी किसान पूछेंगे सरकार से, लेकिन अभी किसान ऑर्डिनेंस जो सेंट्रल का है उस पर पूछ रहा है और सरकार कह रही है कि इस पर सभी दल एक हो जाएं ताकि हम एक मजबूत रेफरेंडम केंद्र की सरकार तक पहुंचाएं। धारनी साहब, अतुल जी देखिए, मैं आपको एक बात बता देनी चाहता हूं। देखिए मैटर है कि एमएसपी का क्या होगा, सबसे बड़ी बात है जो किसानों का जो खदशा है उसके लिए सबसे बड़ी बात यही है। देखिए अगर माहिरों की बात करें तो दो ग्रुप काम कर रहे हैं, एक डॉक्टर ज्ञान सिंह और डॉक्टर गिल का ग्रुप है जिनको ये खदशा है। देखिए मैं ये वर्ड बात कर रहा हूँ कि उनको एक खदशा है, दे आर नॉट श्योर, ठीक है। और दूसरा ग्रुप है जो डॉक्टर जौहल का है, रिनोन्ड इकोनॉमिस्ट है, और मिस्टर रमेश कुमार का है, जो कहते हैं कि ये ऑर्डिनेंस आने से किसान की हालत सुधरेगी। ये जो रमेश कुमार है ये वही आदमी है जिन्होंने किसानों के बारे में बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे काम किए हैं। और देखिए इसमें बहुत ही लंबी और खुली चर्चा करने वाली बात है, जो ये बात कर रहे हैं कांग्रेस गवर्नमेंट का बात कर रही है, ये किसानों को जो गुमराह करने वाली बात कर रही है दो तरफ से कर रही है। नंबर एक ये कर रही है कि मार्केटिंग बोर्ड का क्या होगा, उनकी 4,000 करोड़ रुपए की जो आमदन है उसका क्या होगा। देखिए मैं इनको एक बात बताना आपको बताना चाहता हूँ और किसानों को बताना चाहता हूँ कि ये नॉन बजटरी जो इनकी आमदन है, इनकम है मंडी बोर्ड की, जिसका बजट में कहीं पे नहीं आता और अपनी मर्जी से ये लोग जो है उसको खर्चने की कोशिश करते हैं। अगर ये सारा कुछ बजट में आ जाएगा तो ये भी लोगों पे ही पैसा लगेगा, लोगों के पे ही काम आएगा। यानी धारनी साहब आपने कहा कि इस पर लंबी और खुली चर्चा होनी चाहिए। देखिए हम तो खुलकर ही चर्चा कर रहे हैं और लंबी भी चर्चा कर रहे हैं, घंटे की चर्चा है हमारी। आपकी बात से मैं ये निकाल लूं कि आप कहते हैं कि सेंट्रल का जो ऑर्डिनेंस है उससे किसानों का हित होगा, ये आप कह रहे हैं? आपने कहा उसमें सुधार आएगा, यानी शिरोमणि अकाली दल के सेंट्रल के ऑर्डिनेंस के साथ है ना? देखिए मैं बिल्कुल यही कहता हूं कि जब कोई मार्केट में प्लेयर्स जो हैं उनमें कंपटीशन होगा तो लोगों को, किसानों को उसका जो है ज्यादा मोल जो है मिलेगा। इसमें दो बातें हैं, देखिए एक तो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट जो खत्म करने वाली बात है उसमें किसान का हित ये है वो अपनी फसल को रखे, बेचे, कहीं भी ले जाके बेचे, उसकी अपनी मर्जी होगी, ठीक है। दूसरा जो उसमें आया है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो किसानों के हित में बहुत बड़ी बात है। और तीसरी जो खदशे वाली बात है वो एमएसपी वाली बात है। अगर आप एमएसपी पे बात करोगे तो एमएसपी जो है इसके लिए मैं श्रोमणी अकाली दल की तरफ से एक बात क्लियर कर देता हूं कि एमएसपी खत्म नहीं होगी। अगर एमएसपी खत्म होगी तो श्रोमणी ठीक है धारनी साहब हमारे साथ आप बने रहिए, आपने स्टैंड तो क्लियर कर दिया है कम से कम हमारी इस चर्चा में। कैप्टन संदीप संधू साहब, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, देखिए आपने कहा कि सुमीर बादल ने सर्वदलीय बैठक में कुछ और कहा, बाहर निकलकर कुछ और कहा, डबल स्टैंड, लेकिन धारनी साहब ने शिरोमणि अकाली दल की तरफ से स्टैंड क्लियर कर दिया कि वो सेंट्रल के ऑर्डिनेंस के साथ है और आप पर आरोप लगा रहे हैं यानी सरकार पर कि दरअसल आप लोग भ्रामक बातें कर रहे हैं, एमएसपी खत्म नहीं हो रही है, किसानों का उल्टा फायदा हो रहा है,
यानी श्रोमणी अकाली दल का स्टैंड क्लियर हो गया, उन्होंने कह दिया भाई वो सेंट्रल के ऑर्डिनेंस के साथ ही है। चले, शायद कुछ तकनीकी खामी आ रही है और इसी तकनीकी खामी के बीच में हम इस पर चर्चा भी कर रहे थे। बहुत जल्दी से एक छोटा सा हम ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के उस पार हम लौटेंगे तो चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। सवाल यहां पर यही है कि एमएसपी पर सियासत कौन कर रहा है, सेंट्रल का जो ऑर्डिनेंस है उसको लेकर गुमराह कौन कर रहा है। एक छोटा सा ब्रेक, क्योंकि यहां पर दोनों ही पक्ष हमने सुने और ये कहा जा रहा कि अंदर बैठक में तो राय एक थी, बाहर निकलते निकलते वजह क्या थी पता नहीं चला, राय बदलती चली गई है। एक छोटा सा विराम, जल्द आते हैं। शुद्धता और ताजगी से भरपूर इसकी प्राकृतिक रंगत आपके व्यंजनों को और भी अधिक स्वादिष्ट बनाए। देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का, MDH की देगी मिर्च। क्या यूनिवर्सिटीज अपना मार्क्स कार्ड दिखाती है कभी? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने तो दिखा दिया, NAAC A+ सर्टिफिकेशन, इसीलिए तो टॉप MNCs यहाँ प्लेसमेंट के लिए आती है। अब मुझे ही देख लो, सोच लो कल आंसू ना बहाने पड़े। पिछले कुछ महीनों से जो चल रहा है किसी ने सोचा भी नहीं था। जिंदगी में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। आज ही टर्म लाइफ इंश्योरेंस कराइए policybazaar.com से। अब छोटी छोटी मंथली पेमेंट्स में महंगा नहीं है। policybazaar.com, स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। देखिए क्या फालतू सीमेंट लगा रहे हैं, कुछ साल में जंग हमें खा जाएगा। अब बिल्डिंग, वैसे हमारी बिल्डिंग में तो श्री संगरोधक सीमेंट लगा रहे हैं। लकी हो। तुम कहाँ के हो? यूपी के। हमारी मम्मी भी वहीं की। आंटी वहाँ की है। छोड़ो जंग, आ जाओ अपने भाई के संग। श्री सीमेंट, ये लगता है तो असर दिखता है। श्री जंगरोधक सीमेंट, घर की ढाल सालों साल। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। बड़ी बीमारी मतलब हॉस्पिटल, हॉस्पिटल मतलब लाखों का बिल, और लाखों का बिल मतलब सेविंग्स खत्म। आज ही हेल्थ इंश्योरेंस करवाइए policybazaar.com पे। अब छोटी छोटी मंथली पेमेंट्स में महंगा नहीं है। policybazaar.com, स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। बड़ी खबर के प्रस्तुत करता है सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। सुप्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। ब्रेक से आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ दोनों मेहमान मौजूद हैं। संधू साहब, आपने अमनदीप सिंह धारनी साहब को सुन लिया, उनका कहना है सीधा स्टैंड क्लियर कर दिया उन्होंने, कोई यहां पर डबल स्टैंड नहीं है। वो कहते हैं कि जो सरकार कह रही या जो किसान विरोध कर रहे हैं वो असल में वजह नहीं है, यहां पर जो सेंट्रल का ऑर्डिनेंस है उसके साथ श्रोमणी अकाली दल है क्योंकि इससे किसानों का फायदा हो रहा है, वो अपना स्टैंड क्लियर कर रहे हैं। इसका मतलब एक बात तो तय हो गया तो जी, कि वो ऑर्डिनेंस के हक में है जी, ये बात उनसे ले ली आपने, वो मानते हैं ये बात। बिल्कुल, उन्होंने स्टैंड क्लियर कर दिया। तो वेरी गुड, तो इसका मतलब जो उनके प्रधान ने बोला है उससे एक तो इनका स्टैंड आज अलग हो गया, इनका तीसरा स्टैंड आज तो इसका मतलब ये मानते हैं कि जो जो फेडरल स्ट्रक्चर का जो जो स्टेट प्रोजेक्ट होता है एग्रीकल्चर, उसके ऊपर जो भारत सरकार है वो कोई भी ऑर्डिनेंस ला सकती है। इसका मतलब ये फेडरल स्ट्रक्चर के जो 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 ढांचे की 1978 अंतर्राज्य की हम बात करें तो ये उससे भी बात उसके उसके हक में नहीं करें, उसके विरोध में करें। तो अगर ये दोनों बातों पर इन्होंने अपनी बात ये कह दिया, फिर तो जो हम ये जो डिबेट कर रहे हैं तो ये फिर तो बड़ी क्लियर होगी। यही हम चाहते थे कि भाई अपना स्टैंड स्पष्ट करो, और आज ये बड़ी अच्छी बात है। धारनी साहब देखिए, अभी तक तो हम डबल स्टैंड पर बात कर रहे थे, शायद फोन कटा हुआ है धारनी साहब का, मैं फिर से जुड़ूंगा। देखिए संधू साहब, अपनी आप बात पूरी कर लीजिए, और मेरा एक सवाल और भी है, इसी में जोड़ रहा हूँ कि मंडी बोर्ड खत्म करने जैसी बात हो रही है, कहा जा रहा है
कैप्टन साहब ने कहा है कि हाँ इससे 35-36 करोड़ का नुकसान होगा, विलेजेस का लगता था, उपयोग होता था वहाँ पर, उसका खर्च उस पर जाता था। उसके साथ साथ MSP भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, इस तरीके की बातें, क्या वाकई ये चीज है और इसको लेकर अब आप सहमति कैसे बनाएंगे? क्योंकि शिरोमणि अकाली दल का स्टैंड आपके सामने है, सेंट्रल का स्टैंड पहले से ही क्लियर है, आप कहते हैं कि इससे नुकसान है किसानों का। एक पंजाब के किसान जिसने पिछले 30-40 साल 50 साल पूरे भारत को, यहाँ पे 1.5% हम बनते हैं और पूरे भारत के लिए हमने गेहूँ और चावल उगाए, आज मध्य प्रदेश पर बात को राजस्थान या सिर्फ दो ही हैं, एक हरियाणा और एक पंजाब, और तो ये इसको हम खत्म नहीं दे और उसके लिए वो कोई भी कदम उठा सकते हैं। बेशक विशेष पर बुला उसने जब तक यूनानिमस हाँ 2/3 रेजोल्यूशन पास हो सकता हूँ, बिकॉज जो आम आदमी पार्टी और जो कांग्रेस सरकार और उनके MLA है उनका स्टैंड इसमें बड़ा स्पष्ट है। दूसरा उन्होंने कहा कि लीगली जो कानूनी राय है जी वो भी ले अगर, और उससे पहले कोशिश करें कि अगर ये नहीं आते ना आए बाकी जो पार्टी और बाकी जो यूनियन है उनके साथ एक बार दिल्ली को एक बार फिर आजाद से बात करें, एक के जो ऑर्डर किसान से इतने नहीं है पंजाब जी, और दूसरा ये जो सब्जेक्ट है ये आपका है ही नहीं है, आप एग्रीकल्चर के ऊपर जब ऑर्डिनेंस लाते हैं तो आप जो जो हमारा फेडरल ढांचा है वो आप डायरेक्टली हिट करते हैं, तो आप बड़ी बड़ी बात आप कह रहे हैं। संधू साहब, धारनी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं चाहूंगा जरा उनका इस पर कमेंट हो जाए। देखिए धारनी साहब, जो संधू साहब ने कहा कि यहां पर अभी तक तो अकाली दल के डबल स्टैंड की बात हो रही थी, अब आपने जो क्लियर कर दिया कि आप सेंट्रल के साथ हैं तो यहां पर ट्रिपल स्टैंड हो गया, आपके नेता ने बैठक में कुछ और कहा, बाहर कुछ और कहा, तब डबल स्टैंड की बात थी, अब ट्रिपल स्टैंड है और उसके साथ साथ फेडरल स्ट्रक्चर पर एक आघात पहुंचाने वाली बात भी है, ये आरोप भी आप पर लग रहा धारनी साहब। नहीं नहीं बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, जो हमारा स्टैंड है वो शुरू से वही स्टैंड है, हमने जिस दिन से भी इसकी बात की है, जो ऑर्डिनेंस की बात की है, हमने सेंट्रल ऑर्डिनेंस के साथ हमने स्टेट ऑर्डिनेंस की बात की है। मैं संधु साहब से बात पर ये पूछना चाहता हूँ, ये एक बात बताएं कि उन्होंने 2017 में ऑर्डिनेंस पास किया था उसमें ओपन मंडी का प्रावधान था या नहीं, और सिंगल लाइसेंस GST जो प्रावधान था वो था या नहीं, और ई मार्केटिंग की बात थी या नहीं थी, उसमें प्राइवेट प्लेयर जो है अडानी जैसे और टेपी और जो है वो काम कर रहे हैं या नहीं। दूसरी बात देखिए, जो कांग्रेस सरकार है ये अपनी जमीन है जो वो इसकी खिसक चुकी है नीचे से, और ये बात जो है ये लोगों का ध्यान भटकाने के लिए और खास तौर पे फार्मिंग सेक्टर का जो ध्यान भटकाने के लिए जो ऐसी बातें कर रहे हैं, अदरवाइज देखिए करना इन्होंने कुछ नहीं है। मैं कहता हूं अगर कांग्रेस का कोई स्टैंड है वो करे, पहले कांग्रेस ने बिजली मुद्दे पे बात की थी, बिजली कॉन्ट्रैक्ट पे बात की थी, आप मुझे बताइए कि अब तक बिजली मुद्दों पे इन्होंने एक कोई काम किया, कोई केस डाला हो, किसी अदालत में गए हो, मुझे बता दें संधु साहब के इन्होंने कुछ किया। चलिए लेकिन लेकिन धारनी साहब, मैं जिस मुद्दे पर हूँ उसी पर मैं चर्चा करूंगा और हम कंक्लूड करने के तौर पर आ रहे हैं, वो समय थोड़ा कम है। मेरा सवाल जो था उसका आपने जवाब दे दिया और आपने एक दो सवाल पूछे हैं, संधू साहब उसका जवाब दे दे। संधू साहब देखिए, एक चीज तो क्लियर हो गई, शिरोमणि अकाली दल जो ऑर्डिनेंस सेंट्रल का है उसके साथ है, लेकिन कुछ सवाल उनके आपसे संधू साहब। जी, मैंने अमनदीप जी की बात बड़े ध्यान से सुनी था, उनका पहला सवाल ये था कि क्या आपने 2019 में ऐसा कोई
एक्ट लाया तो मैंने पहले शुरू में जिक्र किया था कि बिल्कुल लाए, हमारा स्टेट प्रोजेक्ट है एग्रीकल्चर। और हम सर 2017 में दूसरा सवाल था, दूसरा सवाल कि क्या हमने ये जो है ई मार्केटिंग की बात करी, बिल्कुल करी, लेकिन अनरेगुलेटेड नहीं करी, रेगुलेटेड, ताकि जो जो रेगुलेशन है, जो रेगुलेटेड जो मंडी बोर्ड का है वही ई मार्केटिंग में होगा, वही प्राइवेट यार्ड में होगा। अब ये इनका जो ऑर्डिनेंस है उसमें ये है कि भाई कोई भी आदमी कहीं भी जाके अपने घर से लेकर कहीं भी अपना जो जो फसल है वो बेच सकता, उसके ऊपर कोई किसी को आपत्ति नहीं होगी, कोई कोई सवाल नहीं पूछ सकता। और अतुल जी यही कारण है कि आज आलूओं के जब दाम गिरते हैं क्यों गिरते हैं, टमाटरों के दाम गिरते हैं क्यों गिरते हैं, यही कारण है क्योंकि ये जो MSP है उसको खत्म करके PSS जो है सिस्टम वो इंट्रोड्यूस किया गया है। और यही कारण है कि ये जो टमाटर है और ये आलू है, जब एक टाइम आता है कि किसान लोग सड़कों के ऊपर आके उनको बिखर के छोड़ के चले जाते हैं। तो ये जो स्टेट अपने लेवल पे एक प्रोजेक्ट को हैंडल करना चाहती है, वो एक राज्य का अपना रोल है, अपनी ड्यूटी है, अपना फर्ज है, वो कर रही है, लेकिन वो किसी चीज को अनरेगुलेट नहीं कर रही, जैसे ये ऑर्डिनेंस कर रहे हैं। और ये ऑर्डिनेंस जब ये कोरोना का टाइम था तब लाने की जरूरत क्यों पड़ी भाई? आप बिल लेकर आते, बिल को आप लोकसभा और राज्यसभा में चर्चा करवाते, फिर उसके बाद पास कर देते। क्या ऐसी जरूरत पड़ी, आन पड़ी कि आपको कोविड के टाइम ये 3 ऑर्डिनेंस लेकर आने पड़े? धारनी साहब इसका जवाब दीजिए। और देखिए हमारे यहाँ संवैधानिक व्यवस्था है, संविधान में जो फेडरल स्ट्रक्चर स्टेट को भी दिए गए हैं पावर्स हैं, उस पावर का अगर हम देखें तो इस्तेमाल करने का अधिकार तो है ना। एक अध्यादेश आ जाए, वो पावर स्टेट से छिन जाए और फिर आप कहें कि नहीं वो स्टेट अलग कुछ रोल प्ले कर रहा है, वहां की सरकार अलग बात कह रही है, केंद्र सरकार भला चाहती है, हम उसके साथ खड़े हैं, किसान को समझ में नहीं आता इतना सब। वो अध्यादेश और उसके बीच की चर्चा नहीं चाहता है, वो आलू टमाटर का अपना दाम चाहता है, वो अपने फसल की कीमत चाहता है। देखिए मैं एक बात संधू साहब को बता देना चाहता हूं कि दो बातें हैं, जो MSP है हमेशा वो जो पक्की फसल होती है, जैसे कनक गेहूं है और धान है और दालें हैं, इन पे हो सकती है। जो कच्ची फसल है जिसमें टमाटर है आलू है उस पे कभी भी नहीं हो सकती, किसी कंट्री में नहीं हो सकती, कहीं पे भी नहीं हो सकती। अगर संधू साहब करेंगे तो हम इनके साथ हैं, बिल्कुल हम इनके साथ चलेंगे। और दूसरी बात ऑर्डिनेंस की, ऑर्डिनेंस ये जो कह रहे हैं कि कोरोना के टाइम पे ऑर्डिनेंस किया, देखिए उस वक्त पे पार्लियामेंट का इजलास बुलाने की वो कोई बात ही नहीं थी। ये बताए मुझे जो 2019 कह रहे हैं, ये जो है वो अगस्त 2017 की बात है, ये अध्यादेश क्यों ला रहे हैं, इन्होंने ऑर्डिनेंस क्यों लाए, इन्होंने उसका बिल पास क्यों नहीं किया विधानसभा में? और दूसरी बात देखिए, ये जो बातें कर रहे हैं ना संधू साहब, इन्होंने कोरोना की आड़ में लोगों का गेहूं है जो, उसको छुपाने के लिए लोगों के शेल्टरों में भरवाया। ये जो सारी चोरी की है ये पहले कर चुके हैं। और आज जो है जो अकाली दल पे, असल बात ये है अतुल जी के पंजाब में जो कांग्रेस सरकार है वो अपना वजूद खो चुकी है, उनके पास कोई लोगों के लिए कोई प्रावधान नहीं है कि वो लोगों को कुछ दे सके। धारनी साहब देखिए, धारनी साहब आप बड़े अनुभवी व्यक्ति हैं, आप बड़े अनुभवी व्यक्ति हैं। देखिए सरकार में जब भी कोई आता है ना तो उस पर यही आरोप लगता है कि वो अपना वजूद खो चुके हैं, लेकिन फिलहाल तो 5 साल के लिए वही सरकार है और जनता ने उन्हें चुना है। आपने जवाब जो दिया, मैं उस पर एक छोटा कमेंट और ले लूं संधू साहब का जरा। संधू साहब आपने एक सवाल किया, उल्टा एक और सवाल आपसे पूछ लिया है धारनी साहब ने, यानी सवाल का जवाब सवाल ही हो गया। ऐसा है कि अगर आप हमारी अभी ऑलमोस्ट 1 घंटे के आसपास की चर्चा हो चुकी है जी। मेरे तो 2-3 मुद्दे थे, बड़ी मेहरबानी है धारनी साहब ने आए और अपना जो स्टैंड दे दिया, क्लैरिटी दे दी प्री ऑर्डिनेंस के साथ है, तो एक तो ये बात सामने आई। लेकिन ना तो इन्होंने सभी ढांचे वाली बात का जवाब दिया, मैंने हर सवाल का जवाब दिया, इन्होंने कहा कि आप ये बिल लाए लाए, इसमें आपने ये किया ये नहीं किया ये किया। अब ये बातें कर रहे हैं
कभी तो ये बात ले जाती है बिजली के मुद्दे, बिजली के मुद्दे पे भी मैं एक सेकंड के लिए बोल ही देता हूँ, ये जो अब बिल लेकर आ रहे हैं केंद्र सरकार ने वो क्या करेगा, वो सारी जो बिजली जो जो पंजाब का रेगुलेटरी कमीशन है उसको खत्म होगा, और ये जो तय करेंगे पैसे उसके बिजली के दाम क्या होंगे डोमेस्टिक के या उसके, वो केंद्र सरकार करेगी। तो अगर आपने किसी भी चर्चा पे विषय पे बात करनी है पूरी आप उसकी तैयारी होनी चाहिए, आप 40 मिनट आए हैं लेकिन एक ही बात को लेके आप दोहराए जा रहे हैं, उसमें फिर चर्चा का मजा नहीं आता। लेकिन एक अच्छी बात आज होगी अतुल जी के एक जो तीसरा स्टैंड आज पार्टी का आ गया और उस स्टैंड में बड़ी क्लैरिटी आ गई कि ऑर्डिनेंस के साथ है, और ये जो किसानों कितने बात है वो बात जरूर है लेकिन ना तो वो अपनी वहाँ का जो कृषि वाला पद है वो खोना चाहते हैं और यहाँ पे किसान वाली की बात करना चाहते हैं, ये वजूद खो दिया नहीं किया है जनता कर 2022 फिर आएगी पार्लियामेंट पंजाब में। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए संधु साहब इसका जवाब तो मैंने ही दे दिया धारनी साहब को कि ये तो जनता तय करती है भाई, ना तो संधु साहब तय करेंगे ना धारनी साहब तय करेंगे, वो जनता तय करेगी कि किसका वजूद खिसक गया है, खो दिया है किसने, किसकी जमीन खिसक गई है। लेकिन धारनी साहब देखिए, बिल का जवाब बिल के सवाल से अगर होगा तो किसान का दिल बैठ जाएगा। आप दोनों चाहते हैं, देखिए संधु साहब भी चाहते हैं आप भी चाहते हैं कि भला हो किसानों का या हमारे अन्नदाता का, उसमें MSP को लेकर हो, बोर्ड को लेकर हो, बिल को लेकर हो, अध्यादेश को लेकर हो, नीति को लेकर हो, चाहे जैसे हो, होगा कैसे अगर आरोप आरोप चलेगा तो। देखिए एक बात हमारे प्रधान साहब ने बिल्कुल क्लियर कर दी है कि 2020 की जो धान है उसकी खरीद में पता चल जाएगा के उस पे MSP है या नहीं है, उसके बाद कणक पे पता चल जाएगा, गेहूं पे पता चल जाएगा कि MSP है या नहीं है। अगर नहीं होगी तो ये हमारी तरफ से बिल्कुल क्लियर है, सेंटर में सरकार किसी की भी हो हम किसानों के साथ होंगे। और दूसरी बात, इन्होंने एक बात बिजली की है, ये बात करते अच्छे नहीं लगते हैं, ये तो कितनी देर पहले किसानों के बिजली के बिल लगाने वाले थे, आप अपने जो मनप्रीत बादल का बयान है वो आप पढ़ लें, आप सेंटर की बात करते हैं, आप अपनी बात करिए, आप क्या करना चाहते हैं, क्या आप लोगों के खेतों में जाके वहां पे मीटर लगाने वाली बात कर रहे थे, आज आप बात करते हो सेंटर की। ठीक है संधु साहब, फाइनल कमेंट ही आपका चाहूंगा। देखिए बात सारी हो गई, हमने किसान का मुद्दा उठाया, MSP मंडी बोर्ड की बात की, ऑर्डिनेंस की बात की, उसमें बिजली भी आ गया, उसमें अडानी भी आ गए, उसमें किसानों के साथ सब खड़े हैं ये भी आ गया। मेरा आप सवाल ये है कि ऑर्डिनेंस के साथ श्रोमणी अकाली दल है, ये तो क्लियर हो गया इस चर्चा में, वो चाहे डबल स्टैंड के साथ हो, ट्रिपल स्टैंड के साथ हो या सिंगल स्टैंड के साथ हो। अब यहां पर आप विशेष सत्र बुलाने वाले हैं, विशेष सत्र में वही स्टैंड कमोबेश अकाली दल भी रखेगा, अब उसके बाद सरकार क्या अपना स्टैंड रख रही है कि अगर उस ऑर्डिनेंस से मुक्ति नहीं मिल पाए तो प्रदेश स्तर पर आप किसान का भला कैसे करने वाले हैं, आपका यानी सरकार का स्टैंड इस पर क्या रहेगा? ये पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी का हमेशा ही उद्देश्य रहा है, जब वो पहली बार भी मुख्यमंत्री बने थे 2002 में और आप भी बने, और उन्होंने जब ये चर्चा की उन्होंने यही चर्चा में भी बात कही है अतुल जी कि अगले 20 साल में मैं यहाँ पे हूँगा या नहीं हूँगा, मेरे ख्याल से नहीं हूँगा, लेकिन हम ऐसी चीज नहीं कोई करके जा सकते जिसके कारण आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको भी नुकसान हो, और किसानों का नुकसान मैं नहीं होने दूंगा, इसके लिए कुर्सी चाहे कुछ भी चला जाए इससे मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं हर वो कोशिश करूंगा जिससे जो किसानों का जो इशू है जिन्होंने इतने साल अपना खून पसीना देके पूरे भारत को खाना खिलाया है, आज जब बाकी राज्यों में कुछ आना शुरू हो गया तो आप ये वाला जो पंजाब के किसान के लिए नारा भी लगा जय जवान जय किसान, आज आप वो सारी बातें भूल के इस किस्म की ऑर्डिनेंस लेकर आएंगे। मुख्यमंत्री जी का बड़ा सीधा और स्पष्ट स्टैंड है कि वो किसी भी हद तक जा सकते हैं उसको ना होने के लिए, और उसके लिए बेशक प्रदेश विशेष सत्र बुलाए, लीगली उसको चैलेंज करें, नरेंद्र मोदी भी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं या तोमर साहब जो हमारे कृषि मंत्री हैं वो देखें, उनके पास जाना पड़े वो हर वो चीज करने को तैयार है और वो करेंगे।
लेकिन ये जो इशू है और जो ऑर्डिनेंस है इनको पूरी तरह से वो जो कहते हैं खारिज करते हैं और ये इसको नहीं आने। ठीक है धानी साहब, सेंट्रल का ऑर्डिनेंस कतई स्वीकार नहीं है, पूरी तरह से खारिज होगा। आप कहते हैं कि उससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। अब अन्नदाता आपसे भी पूछेगा और आपसे इसलिए भी ज्यादा पूछेगा क्योंकि आपने भी लंबा वक्त बिताया है सत्ता में और आज आपकी जिम्मेदारी विपक्ष के तौर पर और प्रमुख हो जाती है। देखिए बिल्कुल ये आप एक बात बिल्कुल क्लियर है, अगर MSP पे कोई किसी किस्म की आंच आएगी और इसमें किसानों का जो हित है वो उसमें वो किसानों की हालत खराब होने वाली बात होगी तो श्रोमणी अकाली दल किसी सेंटर की सरकार या किसी का ध्यान नहीं करेगा, वो बिल्कुल क्लियर तौर पे किसानों के साथ खड़ा होगा। लेकिन इस ऑर्डिनेंस से तो उनका बुरा हो रहा है ना, उनका अहित हो रहा है, यही तो प्रदेश की सरकार कह रही है और संधू साहब ने कहा कि उसके लिए प्रधानमंत्री से भी मिलेंगे, तोमर साहब से भी मिलेंगे, सबसे मिलेंगे भाई, जो करना होगा करेंगे। नहीं नहीं देखिए देखिए अतुल जी मेरा एक इतराज है, देखिए एक बात मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता देता हूँ कि अभी जितने भी एक्सपर्ट्स की बात हुई है, जितने भी एक्सपर्ट्स के इस पे चर्चे आए हैं वो सारे खदशे में आए हैं, किसी ने डेफिनेटली किसी ने नहीं बताया। अगर किसी ने डेफिनेट किसान के नुकसान की बात की है तो मैं आपके सामने खड़ा हूँ, आप मुझे बता दो। देखिए मैंने पहले ही बता दी के दो जो ग्रुप है वो काम कर रहे हैं, एक डॉक्टर ज्ञान सिंह और डॉक्टर गिल की बात है और दूसरी तरफ पे डॉक्टर जॉन और रमेश कुमार की बात है और दोनों जो है दोनों ही एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट हैं। अभी तक एक ग्रुप है जो डॉक्टर ज्ञान सिंह और गिल का, उन्होंने खदशे जाहिर किए हैं, डेफिनेशन जो है उन्होंने नहीं दी है। संधू साहब बहुत छोटा सा फाइनल कमेंट इस पर, एक्सपर्ट कहते हैं ठीक, आप कहते हैं ठीक नहीं है और उसके लिए आप किसी भी स्तर पर जाएंगे, यानी प्रदेश की सरकार उसके लिए चाहे तो अगर दिक्कत आएगी तो वो लीगली भी एक्शन लेंगे या लीगली भी चैलेंज करेंगे, प्रधानमंत्री से मिलकर उनके सामने भी पक्ष रखेंगे, कृषि मंत्री के सामने भी रखेंगे। लेकिन धारणी साहब और उनकी पार्टी का कहना है कि ये सब बातें असल में ठीक नहीं है, ये गुमराह करने वाली बातें। कुछ बातें बड़ी सीधी साफ, अगर जब आपको यही पता है कि एग्रीकल्चर राज्य का सब्जेक्ट है, स्टेट सब्जेक्ट है, आप इसमें पहली बात ऑर्डिनेंस लाए नहीं सकते, आप लाए किस ढंग से, किस तरीके से लाए हैं, क्यों लाए, पहली बात जी। दूसरी बात, अगर आप लाए तो क्या आप, एक और भी बात होती है जब आप ऐसे की ऑर्डिनेंस लाते हैं तो आप राज्य सरकारों से बात करते हैं भाई चलो ऐसे स्टेट के लिए चलो हम बात कर लेते हैं। एग्रीकल्चर सेक्रेटरी जो है हमारे कृषि जो सेक्रेटरी है जो पालते हैं बाल दिन के पास नहीं, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा कि जी हमने पंजाब के साथ इस मुद्दे पे बात कर दी है और उन्होंने सहमति जताई है, जबकि ऑन रिकॉर्ड क्या कहीं भी इस किस्म की कोई जो डिस्कशन या वार्ता या बातचीत हुई नहीं है। जब इस किस्म के लोग ऑर्डिनेंस ला रहे हैं और ये बातें ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं तो उनकी मंशा क्या है, इससे कोई हमें आगे पीछे होने की जरूरत नहीं है। ये बड़ा क्लियर बात है कि जो शांता कुमार जी ने शुरू किया था उसको ये आगे लेके अब क्योंकि इनके पास दो तो अपना लोकसभा में पूरी मेजोरिटी है तो ये इस चीजों को ऐसे तरीके से लाएंगे। लेकिन जैसे मैंने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी कुछ भी हो जाए इसको एंड तक इसके साथ लड़ाई करेंगे और किसानों के हित में जो भी बात होगी उसको पूरा करने के लिए वो कोई भी कदम उठाने के लिए तैयार। चलिए यानी हमारी चर्चा में एक चीज तो क्लियर हो गई, वो दोनों तरफ से क्लियर हो गई, सरकार की मंशा आगे क्या है इस ऑर्डिनेंस को लेकर ये भी क्लियर हो गया और श्रोमणी अकाली दल का जो कि डबल स्टैंड का जिक्र हो रहा था वो भी क्लियर हो गया कि नहीं भाई सिंगल स्टैंड है, हम ऑर्डिनेंस के साथ है, प्रदेश की सरकार के साथ नहीं है। किसान जो इस वक्त विरोध कर रहे हैं उनके पक्ष की बात तो कर रहे हैं लेकिन इस विरोध को वो समझें कि असल में उनका ये विरोध ठीक नहीं है, ये तो उनके भले की बात है। बहुत शुक्रिया संदीप संधू साहब आपका और अमनदीप सिंह धानी साहब आपका भी। तो देखिए एक सेंट्रल का ऑर्डिनेंस
अब वहां प्रदेश में लड़ाई इस बात की है कि सेंट्रल के ऑर्डिनेंस का विरोध तो प्रदेश की सरकार कर रही, लेकिन उनका खुद का जो ऑर्डिनेंस है वो कितना सही है, ये बात प्रदेश की एक पार्टी उठाने लगी है। उनका स्टैंड यानी श्रोमणी अकाली दल का स्टैंड क्लियर है कि हम ऑर्डिनेंस जो कि सेंट्रल का है उनके साथ तो हैं, लेकिन किसानों का भला ये सरकार नहीं चाहती है, इसलिए गुमराह कर रही। लेकिन सरकार ने, उनके पार्टी ने, उनके प्रवक्ता ने स्पष्ट कर दिया कि इसमें अगर लीगली चैलेंज भी करना पड़े या प्रधानमंत्री से मिलकर भी ये दिक्कतें साझा करना पड़े तो भी सरकार पीछे नहीं हटेगी, क्योंकि किसान अगर विरोध कर रहे हैं, किसानों की अगर समस्या है तो उसका हल निकालना सरकार की अहम जिम्मेदारी है। नमस्कार।